नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु। राजधानी दिल्ली से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे जो कोई सुन रहा है वो तंग है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती था और उसके परिजनों ने डॉक्टर की सलाह लिए बिना उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया। दरअसल यहां एक बुजुर्ग को मृत समझकर परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान घाट ले गए, लेकिन अंतिम संस्कार से ठीक पहले बुजुर्ग को होश आ गया। बुजुर्ग के होश आने के बाद हड़कंप मच गया। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल अस्पताल ने बुजुर्ग को डिस्चार्ज करते वक्त उसमें पेपर्स पर लिखा था कि बुजुर्ग कैंसर पेशेंट है। वेंटिलेटर का खर्चा ज्यादा था तो परिवार वाले बुजुर्ग को अस्पताल से अपने घर ले गए थे। वेंटिलेटर से हटाने के बाद बुजुर्ग की सांस बंद हो गई और उसके परिवार वालों ने सोचा कि उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए बुजुर्ग को शमशान घाट ले जाया गया। लेकिन जब चिता पर शव को लिटाया जाने लगा तो एकदम से उसमें सांस आ गई और उसे होश आ गया। बुजुर्ग के होश में आने के बाद 100 नंबर पर PCR को कॉल किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और फिर से बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बुजुर्ग द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।